तो इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे महायज्ञ का पुरस्कार, जिसके राइटर है यशपाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस श्री जशपाल जी के हिंदी साहित्य के क्या थे? कथाकार, निबंधकार, कथाकार व निबंधकार दोनों। तो ये दोनों ही थे, कथाकार व निबंधकार। श्री जशपाल जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था यहाँ पे चार ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन 3 दिसंबर 1903 को। इनका जन्म स्थान कहाँ का है? तो ये जो जन्म स्थान है इनका वो है फिरोजपुर छावनी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। श्री जसपाल जी निम्न में से कौन सा पत्र निकाला, कौन सा पत्र निकाला था उन्होंने? तो जो पत्र का नाम था वो यहाँ पे विप्लव, ए ऑप्शन। श्री जसपाल जी का निधन कब हो गया था? 26 दिसंबर 1976, 2 दिसंबर 1976, 20 दिसंबर 1976। तो इनका हुआ था 26 दिसंबर 1976 ईस्वी में। श्री जसपाल जी की कहानियों का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा प्रकाशित हुआ पहले? तो प्रथम संग्रह का नाम था वो क्या था? पिंजरे की उड़ान। निम्नलिखित में से श्री जसपाल जी की प्रमुख कहानी संग्रह कौन सी है? देखिए, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ताकि आप सारी कहानियों के नाम को यहाँ से याद कर सके, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, किसी भी कहानी से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये सारे नाम आपको याद करने हैं। ये इनकी सारी कहानियों का संग्रह है। इसी तरह से यहाँ पे ये उपन्यास का संग्रह है, झूठा सच्चा, दामा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का श्राप। तो ये भी सारे ऑप्शंस आपको याद करने उपन्यास के इनके। शिवालोकन, न्याय का संग्रह, देखा सोचा समझा में इनके संग्रहित क्या थे? निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र या तीनों? तो इनमें जो थे इनके तीनों ही प्रेजेंट हैं, निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र। निम्न में से किसे रीवा सरकार ने दे पुरस्कार? सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी स्थायी सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोष, और भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि सम्मानित किया। तो किसको किया था ये सब पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे? तो ये थे इनके जसपाल जी के। श्री जसपाल जी की भाषा कैसी है? सरल, प्रभावपूर्ण, कठोर, अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज व्यवहारिक, अत्यंत प्रभावपूर्ण, असहज तथा व्यवहारिक। कौन सी इनमें से? बी ऑप्शन, अत्यंत प्रभावपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक। धर्मपरायण एक धनी सेठ थे, उनका व्यवहार कैसा था? तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, अभी तक हम लेखक के बारे में पढ़ रहे थे। तो धनी धर्मपरायण सेठ कैसे थे? अत्यंत विनम्र और उदार के थे। धर्मपरायण के द्वार से कोई साधु संत लौटता था, कैसा लौटता था? तो आपने कहानी पढ़ रखी है तो उसमें आपने देखा होगा कोई भी निराश नहीं लौटता था, और भर पेट भोजन उसको वो खिलाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। क्रय विक्रय का अर्थ होता है बेचना खरीदना, खरीदना बेचना, दोनों सही है। देखिए अंतर है, क्रय माने खरीदना, तो क्रय पहले आएगा, और विक्रय माने बेचना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट। ना तो ए यज्ञ ही एक ही यज्ञ बेच, ये एक लिखना चाहिए, ए लिख दिया, एक ही यज्ञ बेच डालो, ये किसने कहा था? ये कहा था किसने? सेठानी ने, सेठ थे। सेठानी कौन है यहाँ पे? सेठ के यहाँ से कुंदरपुर नाम नगर कितनी दूरी पर था? तो इनका जो नगर था वो कितनी दूरी पर था? 10-12 कोस की दूरी पर था। कोस लिखना रह गया है। कुंदनपुर नगर में कौन रहता था? धर्मपरायण, धन्ना सेठ, पन्ना सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कुंदनपुर नगर में कौन रहता था? धन्ना सेठ। धन्ना सेठ की सेठानी को कौन सी दैविक शक्ति प्राप्त थी? वह लोगों का भविष्य बता देती थी, वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी, वह आने वाले समय का पता लगा लेती थी। तो कौन सी बात थी उनको? वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। विपद ग्रस्त का अर्थ है विपत्ति में फंसे, अच्छा समय, विपत्ति का ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। विपत्ति में फंसे। जब धर्मप्राण की सेठ कुंदनपुर की ओर चलने को थे तो सेठानी ने सेठ को क्या दिया था? पोटली में 4 मोटी रोटियां, पोटली का कटा हुआ प्याज, पोटली में रोटी व अचार। तो क्या दिया था? पोटली में 4 मोटी मोटी रोटियां। धर्मप्रायण सेठ ने जैसे ही खाने के लिए रोटी तोड़ने लगी तो उन्होंने किसे देखा? बकरी को, गाय को, कुत्ते को, किसको? कुत्ते को।
जब खाने बैठे तो सामने कुत्ता आ गया था। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। ये किसने कहा और किसके लिए? तो ये बात कही थी धर्मपरायण सेठ ने, जब वो कुंदन नगर जा रहे थे तब रास्ते में उसे कुत्ता मिला था, तब उसको बेचारे को भूख लगी थी तो उसके लिए कहा गया था। कृतज्ञता का अर्थ क्या है? कृतज्ञता का अर्थ होता है यहाँ पर उपकार को मानने का भाव। जैसे कुत्ते को लगा कि उसे रोटी मिल गई तो उसे कृतज्ञता का उसका भाव आ गया उसके अंदर। सेठ ने क्या सोचकर कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ता खुश हो जाएगा, ये अच्छा पुण्य पुण्य नहीं है, पुनः पुण्य का काम है ये, कुत्ते शरीर में शक्ति आ जाएगी, तो इसलिए सोच खिलाई कि वो थोड़ा सा चल फिर लेगा। याचना का अर्थ है, याचना का मतलब होता है मांगना या फिर प्रार्थना करना। ए ऑप्शन। हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है, अचानक से यह बात किसके मुंह से निकला? सेठानी के, धर्मप्रायण के, धन्या सेठ के। किसके मुंह से निकला था ये वाली बात? धर्मप्रायण के। मुख का अर्थ क्या है? जो सुन ना सके, जो देख ना सके, जो बोल ना सके, या इनमें से कोई नहीं? जो बोल ना सके। सेठ के कुत्ते को कितनी रोटियां, सेठ के कुत्ते को, ये गलत हो गया, सेठ ने कुत्ते को कितनी रोटी खिलाई थी? तो 4 रोटियां। यदि यह किसने किससे कहा, कहो सेठ कैसा आना हुआ, ये बात कही थी धन्या सेठ की। जो धन्या सेठ थे जो कुंदन नगर में रहते थे, उन्होंने धर्मप्रायण सेठ से कही थी। ये किसने कहा, सेठ जी ये यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, ये बात धन्या सेठ की पत्नी ने धर्मप्रायण से कही थी। विस्मित विमूढ़ का अर्थ हैरान, अचानक, बौद्धेर, इनमें से कोई नहीं। तो विस्मित विमूढ़ का अर्थ हैरान। सेठानी ने किसको महायज्ञ कहा, धर्मपरायण सेठ ने रास्ते में जो भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई उसी को महायज्ञ बताया, या दान दिया करता था उसी को, या पूजा पाठ करता उसको? तो किसके लिए था, रास्ते में जो उन्होंने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई यही उनका महायज्ञ था, ऐसा धर्मपरायण ने सेठानी से क्यों कहा? सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है। तो ये बात किसने कही थी, ये जब सेठानी ने महायज्ञ बेचने को कहा, तब धर्मपरायण को हंसी आ गई, क्योंकि उन्होंने कोई महायज्ञ किया नहीं था, तो वो किस यज्ञ की बात कर रही थी। इस कहानी में निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कर्म को क्या कहा जाता है? सच्चा यज्ञ, जिसे बोलते हैं महायज्ञ। एक सेठानी यह सेठानी किस ये सटानी ने किससे कहा, क्या विचार है सेठ जी, ये जग बेचना है कि नहीं? धर्मप्रायण से। पो फटे का अर्थ है, चलते चलते पैर फट जाना, सूर्योदय, पैर में दर्द होना, इनमें से कोई नहीं। पो फटे का अर्थ होता है सूर्योदय, यानी कि सुबह के समय को पो फटे बोलते हैं, जब मॉर्निंग होती है। धन्ना सेठ कुंदनपुर से कब वापस चले, शाम को, दोपहर को, या सूर्योदय के समय? इट मीन्स मॉर्निंग, जिसे बोल सकते हैं सूर्योदय का मतलब। तो सूर्योदय मतलब वो सुबह के समय चले थे, जब सूर्य निकलता है और रोशनी होती है। धर्मप्रायण सेठ ने कुंदनपुर में रात कहाँ बिताई, धन्ना सेठ के घर, धर्मशाला के चबूतरे पर, सड़क के किनारे, इनमें से कहीं नहीं। तो उन्होंने रात कहाँ बिताई थी, धर्मशाला के चबूतरे पर, भूखे पेट। आदि अंत का अर्थ है प्रारंभ से अंत तक, किसी चीज का आदि होना, आरंभ करना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका मतलब है जब वो कहानी सुना रहे थे अपनी पत्नी को, तो प्रारंभ से उन्होंने अंत तक की बात बताई। धीरे रखे भगवान सबका भला करेंगे, ये किसने कहा, ये किसने कहा, धर्मप्रायण सेठ की पत्नी ने धन्ना सेठ से, स्वयं सेठानी ने, या धर्मप्रायण सेठ की पत्नी ने धर्मप्रायण से? तो ये बात किसने कही थी, धर्मप्रायण सेठ की पत्नी ने धर्मप्रायण से। धर्मप्रायण सेठ की पत्नी ने जब दिया जलाने के लिए दलान में आई, तो रास्ते में वह किस चीज से ठोकर खाई थी? तो उन्होंने खाई थी लोहे के कुंदे, कुंदा बोलते, कुंडा होता लगा हुआ, उस चीज को बोलते हैं। जब सेठ ने कुंदे को पकड़ के खींचा, तो क्या देखा, अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ है, इट मीन्स अंदर सीढ़ियां बनी थी। सीढ़ियां उतरते ही सेठ ने क्या देखा, बहुत बड़ा तहखाना, पानी की धारा, कुत्ते का बच्चा है, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने देखा था कि नीचे बहुत बड़ा तहखाना है, जिसमें कि हीरे जवाहरात है। यह किसने कहा, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। ये बात भगवान ने, एक दिव्यवाणी हुई थी, तो उन्होंने दिव्यवाणी के रूप, मतलब भगवान आए थे और उन्हें बताया दिव्यवाणी के रूप में, यानी कि जो दिखाई ना दे उसे दिव्यवाणी ही बोलेंगे हम, तो वो धर्मपरायण से की थी ये बात। तो
तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपका अब ये है कि यहाँ पे हिंदी में मैंने इस बार के जो सिलेबस में है वो चार कहानियाँ थी, बात अठन्नी की, काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, ये तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। सिर्फ एक कहानी बची है, नेताजी का चश्मा, और चार पोयम है जिसको भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। पोयम के नाम जो है वो आपको पता ही है, साखी, गिरधर की कुंडलिया, स्वर्ग बना सकते, वह जन्मभूमि मेरी। तो ये सारी चीज़ों के लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और सिर्फ एक कहानी बचती है, नेताजी का चश्मा। तो हो सकता है मैं आपको रात या मॉर्निंग तक ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको 10 मिनट में पूरी चैप्टर को रिवाइज इससे कर लेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पढ़ के आपको एग्जाम में बड़ी हेल्प होती है, और अगर रियल में अगर ऐसी हेल्प होती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं भी आपकी बातों को जान सकूँ कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा है या नहीं। तो उसके हिसाब से मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, कि और आप लोग भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ऐसा भी आप करिए, ऐसा कि इससे और बेस्ट क्या हो सकता है। तो मेरा मकसद है आप लोगों को अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराना। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।